अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी दे और हमेशा फूलों की तरह हंसते मुस्कराते रहें। आज हमने घर पे ताज़ा दूध से, फ्रेश मिल्क से खोया बनाया है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक पैन ले लें। अब हम इसमें 1 kg मिल्क डाल देंगे। सबसे पहले हमने दूध को अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। जब अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें 1 चम्मच देसी घी का डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ये यूज़ करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। घी को हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपने चम्मच उस वक्त तक इसमें नहीं चलाना जब तक ये अच्छी तरह बॉईल ना हो जाए। अब हमारा दूध अच्छी तरह बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें चम्मच चलाना शुरू कर देंगे और मुसलसल चम्मच इसमें चलाते रहना है आपने वक्फे वक्फे से। अब 20 से 25 मिनट हो गए, आप लोग देख सकते हैं अब ये हाफ बच चुका है। इसी तरह चम्मच इसमें चलाते रहें, ये थिक होना स्टार्ट हो गया है और हमने इसमें मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। आप लोग इसमें देखेंगे कि हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया सिवाय देसी घी के 1 चम्मच के, और ये सिर्फ इसी फ्रेश मिल्क का ही खोया है और बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये थिक हो चुका है, हमने इसे इससे ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि जब हम इसे डिश आउट करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये मज़ीद ठीक हो जाएगा। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आप लोग इसे इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसके पीसेस भी बना सकते हैं। पीसेस बना के इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा खोया बहुत ही मज़े का बना है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।